जिनको भी महाभारत पढ़ना पसंद है या सुनना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था कि तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस जी यात्रा में श्री राम की बहन शांता के बारे में बात किया था। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर है युधिष्ठिर का कौशिकी गंगा सागर एवं वैतरणी नदी होते हुए महेंद्र पर्वत पर गमन। तो ये वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कौशिकी नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों और मंदिरों की क्रमशः यात्रा की। राजन, उन्होंने गंगा सागर संबंध तीर्थ में समुद्र तट पर पहुंचकर 500 नदियों के जल में स्नान किया। दोस्तों ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, ठीक है, जुए में हार कर। अब पिछले के वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। भारत तत्पश्चात वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कलिंग देश में गए। तब लोमस जी ने कहा, कुंती कुमार, ये कलिंग देश है जिसमें वैतरणी नदी बहती है, जहाँ धर्म ने भी देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। ये पर्वत मालाओं से सुशोभित वैतरणी का यही उत्तर तट है, यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। बहुत से ऋषि तथा ब्राह्मण लोग सदा इस उत्तर तट का सेवन करते आए हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले पुण्यात्मा मनुष्य के लिए यह स्थान देवयान मार्ग के समान है। प्राचीन काल में ऋषियों तथा अन्य लोगों ने भी यहाँ बहुत से यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजेंद्र, यही रुद्रदेव ने यज्ञ में पशु को ग्रहण कर लिया था। उस पशु को ग्रहण करके उन्होंने कहा, यह तो मेरा हिस्सा है। भरत श्रेष्ठ पशु का अपहरण हो जाने पर देवताओं ने उनसे कहा, आप दूसरों के धन से द्रोह ना करें, दूसरे के हिस्से को ना लें, धर्म के साधन भूत समस्त यज्ञ भागों को लेने की इच्छा ना करें। यूं कहकर उन्होंने कल्याणमय वचनों द्वारा भगवान रुद्र का स्तवन किया और इष्टि द्वारा उन्हें तृप्त करके उस समय उनका विशेष सम्मान किया। तब वे उस पशु को वहीं छोड़कर देव मार्ग से चले गए। युधिष्ठिर यज्ञ में भगवान रुद्र की भाग परंपरा का बोधक एक श्लोक है, उसे बताता हूँ, सुनो। देवताओं ने रुद्रदेव के भय से उनके लिए शीघ्र ही सब भोगों की अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देने का संकल्प किया। जो मनुष्य यहाँ इस गाथा का गान करते हुए वैतरणी के जल को स्पर्श करता है, उसकी दृष्टि में देवयान मार्ग प्रकाशित हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर महान भाग्यशाली समस्त पांडवों और द्रौपदी ने वैतरणी के जल में उतरकर अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय युधिष्ठिर बोले, लोमस जी, देखिए, इस वैतरणी नदी में विधि पूर्वक स्नान करने से मुझे तपोबल प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं मानवीय विषयों से दूर हो गया हूँ। सुब्रत, आपकी कृपा से इस समय मुझे संपूर्ण लोकों का दर्शन हो रहा है। इस जप और श्रद्धा में लगे हुए महात्मा बेखानस ऋषियों का शब्द है। लोमस जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, यहाँ से आती हुई इस ध्वनि को तुम सुन रहे हो, वो स्थान यहाँ से 3 लाख योजन दूर है, अतः आप चुप रहो। राजन, यह ब्रह्मा जी का दिव्य वन प्रकाशित हो रहा है। राजेंद्र, यही प्रतापी विश्वकर्मा ने यज्ञ किया है। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने पर्वत और वन प्रांत सहित यह सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में दे दी थी। कुंती कुमार, उनके द्वारा अपना दान होते ही पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और कुपित हो लोकनाथ प्रभु ब्रह्मा से इस प्रकार बोली, भगवान, आप मुझे किसी मनुष्य को ना सौंपे, यदि मुझे मनुष्य को सौंपेंगे तो वो व्यर्थ होगा, क्योंकि अभी मैं रसातल को चली जाऊंगी। राजन, पृथ्वी देवी का विषाद करती देख महर्षि भगवान कश्यप ने प्रार्थना द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। पांडुनंदन, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई पृथ्वी पुनः जल से ऊपर उठकर वेदों के रूप में स्थित हो गई। राजन, वो पृथ्वी देवी ही यहाँ इस मिट्टी की वेदों के रूप में प्रकाशित हो रही है। महाराज, इस पर आड़ूर होकर तुम बल पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। युधिष्ठिर, वही यह वेदों स्वरूपा पृथ्वी समुद्र का आश्रय लेकर स्थित है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अकेले ही इस पर चढ़कर समुद्र को पार करो।
मैं तुम्हारे लिए सरस्वती वाचन करूँगा जिससे तुम आज इस वेदी पर चढ़ सको, अजमेर कुल नंदन। नहीं तो मनुष्य के द्वारा स्पर्श हो जाने पर यह वेदी समुद्र के प्रवेश कर जाती है। समुद्र में स्नान करते समय उसकी प्रार्थना के लिए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिनमें यह संपूर्ण विश्व लीन होता है तथा जो सबसे श्रेष्ठ है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवेश्वर आप खारे समुद्र में निवास करें। हे समुद्र, अग्नि मित्र, सूर्य और दिव्य जल, ये सब तुम्हारी योनि उत्पत्ति कारण है। तुम सर्वव्यापी परमात्मा के रेतस वीर्य या शक्ति हो और तुम ही अमृत की उत्पत्ति के स्थान हो। पांडुनंदन, इस सत्य वाक्य का उच्चारण करते हुए तुम शीघ्रतापूर्वक इस वेदी पर आरूढ़ हो जाओ। हे महासागर, अग्नि तुम्हारी योनि कारण है और यज्ञ शरीर है। तुम भगवान विष्णु के शक्ति के आधार और मोक्ष के साधन हो। पांडुपुत्र, इस सत्य वचन को बोलते हुए नदी के स्वामी समुद्र में स्नान करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, जल का स्वामी समुद्र देवताओं का अधिष्ठान है। कुंती नंदन, ऊपर बताई हुई रीति के सिवा दूसरे किसी प्रकार से इस महासागर का कुश के अग्रभाग द्वारा भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। भीष्म पंजी कहते, जन्म ये तदंतर रोमलोमस जी के स्वस्ति वाचन करने के पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनकी बताई हुई सारी विधियों का पालन करते हुए समुद्र में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि बिताई। अकृत वर्ण के द्वारा युधिष्ठिर से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसंग में ऋषिक मुनि का गादी कन्या के साथ विवाह और ऋषि भृगु ऋषि की कृपा से जमदग्नि की उत्पत्ति का वर्णन। तो परशुराम जी के पिताजी की उत्पत्ति का वर्णन। विष्णुपैन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस पर्वत पर एक रात निवास करके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने तपस्वी मुनियों का बहुत सत्कार किया। लोमस जी ने युधिष्ठिर से उन सभी तपस्वी महात्माओं का परिचय कराया। उनमें भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा कश्यप गोत्र के अनेक संत महात्मा थे। उन सबसे मिलकर राजसी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत वर्ण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वी महात्माओं को कब दर्शन देंगे? उसी निमित्त से मैं भी उन महान भार्गव का दर्शन करना चाहता हूँ। अकृत वर्ण ने कहा, राजन, आत्मज्ञानी परशुराम जी को पहले ही वो ज्ञात हो गया था कि आप आ रहे हैं। आप पर उनका बहुत प्रेम है, अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। वे तपस्वी लोग प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को परशुराम जी का दर्शन करते हैं। आज की रात बीत जाने पर कल सवेरे चतुर्दशी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, आप महाबली परशुराम जी के अनुगत भक्त हैं। उन्होंने पहले जो जो कार्य किया है उन सब को अपने प्रत्यक्ष देखा है, अतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि परशुराम जी ने किस प्रकार और किस कारण से समस्त क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया था। आप वो सब वृत्तांत आज मुझे बताइए। दोस्तों, चलिए हम भी सुनते हैं। अकृत वर्ण ने कहा, भरत कुलभूषण श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तो मतलब युधिष्ठिर परशुराम जी से मिलने आए हैं, दर्शन करने, प्रणाम करने आए हैं, इससे यही पता चलता है। भृगुवंशी परशुराम जी की कथा बहुत बड़ी और उत्तम है, मैं आपसे उसका वर्णन करूंगा। भारत जमदग्नि कुमार परशुराम तथा हेहराज कार्तिवीर्य का चरित्र देवताओं के तुल्य है। पांडुनंदन, परशुराम जी ने अर्जुन नाम से प्रसिद्ध जिस हेहराज कार्तिवीर्य का वध किया था उसके 1000 भुजाएं थी, यानी हाथ थे। पृथ्वीपते श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। ये दत्तात्रेय जी कौन है? ये विष्णु जी के एक अनसुना अवतार हैं, जिसके बारे में मैंने किताब से पढ़कर पहले वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। महामाना कार्तिकवीर्य के रथ की गति को कोई भी नहीं रोक सकता था।
उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तिवीर्य अर्जुन सब और घूमकर सदा देवताओं यक्ष तथा ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी इस प्रकार से पीड़ा देता था। कार्तिवीर्य के ऐसा अत्याचार देख देवता तथा महान व्रत का पालन करने वाले ऋषि मिलकर दैत्यों का विनाश करने वाले सत्य पराक्रमी देवादेव भगवान विष्णु के पास जा इस प्रकार बोले, भगवान आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कार्तिवीर्य कुमार अर्जुन का वध कीजिए। एक दिन शक्तिशाली हैहयराज ने दिव्य विमान द्वारा साची के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज इंद्र पर आक्रमण किया भारत। तब भगवान विष्णु ने कार्तिवीर्य अर्जुन का नाश करने के संबंध में इंद्र के साथ विचार विनिमय किया। समस्त प्राणियों के हित के लिए जो कार्य करना आवश्यक था उस देवेंद्र ने बताया। तत्पश्चात विश्ववंदित भगवान विष्णु ने ये सब कार्य करने की प्रतिज्ञा करके अत्यंत रमणीय बदरी तीर्थ की यात्रा की, जहाँ उनका अपना ही विस्तृत आश्रम था। इस समय इस भूतल पर कन्याकुब्ज देश में एक महाबली महाराज शासन करते थे, जो गांधी के नाम से विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वन में गए और वहीं रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अप्सरा के समान सुंदर थी। भारत विवाह के योग्य होने पर भृगुपुत्र ऋषि का मनी के उसका वरण किया। उस समय राजा गाधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि ऋषि से कहा, द्विजश्रेष्ठ, हमारे कुल में पूर्वजों ने जो कुछ शुल्क लेने का नियम चला रखा है उसका पालन करना हम लोगों के लिए भी उचित है। अतः आप ये जान ले कि इस कन्या के लिए एक सहस्त्र वेगशाली अश्व शुल्क रूप में देने पड़ेंगे, जिनका शरीर का रंग तो सफ़ेद और पीला मिला हुआ सा और कान एक ओर से काले रंग का हो। भृगुनंदन, आप कोई निंदनीय तो नहीं है? नहीं, यह शुल्क चुका दीजिए, फिर आप जैसा महात्मा को मैं अवश्य अपनी कन्या ब्याह दूंगा। ऋषि बोले, राजन मैं आपको एक और से श्याम कर्ण वाले पांडु रंग के वेगशाली अश्व 1000 की संख्या में अर्पित करूंगा। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने। अकृत वर्ण कहते हैं, राजन इस प्रकार शुल्क देने की प्रतिज्ञा करके ऋषिक मुनि ने वरुण के पास जाकर कहा, देव मुझे शुल्क में देने के लिए 1000 ऐसे अश्व प्रदान करें जिनके शरीर का रंग पांडु और कान के और से श्याम हो। साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने चाहिए। उस समय वरुण ने उनकी इच्छा के अनुसार 1000 श्यामकर्ण घोड़े दे दिए। जहां वे श्यामकर्ण घोड़े प्रकट हुए थे वो स्थान अश्वतीर्थ नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गाधी ने शुल्क रूप में 1000 श्यामकर्ण घोड़े प्राप्त करके गंगा तट पर कन्याकुब्ज नगर में ऋषि मुनि को अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बराती बने थे। देवता उन सबको देखकर वहां से चले गए। विप्रवर ऋषि ने धर्म पूर्वक सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त करके उस सुंदरी का के साथ अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक रमन किया। राजन विवाह करने के पश्चात पत्नी सहित ऋषि को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम पर आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र को विवाहित देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। तो उन दोनों पति पत्नी ने पवित्र आसन पर विराजमान देवविंद्र वंदित गुरु पिता और ससुर का पूजन किया और उनकी उपासना में संलग्न हो वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्र वधु से कहा, सौभाग्यवती बहु कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करूंगा। तो सत्यवती ने ससुर को अपने और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य रखकर संपन्न किया। तब भृगु जी ने उस पर कृपा दृष्टि की। भृगु जी बोले, बहू ऋतुकाल में स्नान करने के पश्चात तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से
दो भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करो, तुम्हारी माता तो पीपल का और तुम गुलर का आलिंगन करना। भद्रे, मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए यत्नपूर्वक दो चरु तैयार किए हैं, तुम दोनों प्रयत्नपूर्वक अपने अपने चरु का भक्षण करना। ऐसा कहकर भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए, मतलब चले गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्ष के आलिंगन और चारु भक्षण में उलट फेर कर दिया। तदंतर बहुत दिनों बीतने पर भगवान भृगु अपनी दिव्य ज्ञान शक्ति से सब बातें जानकर पुनः वहां आए। उस समय महातेजस्वी भृगु अपने पुत्र पतु सत्यवती से बोले, भद्रे, तुमने जो चारु भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है उसमें उलट फेर करके तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया। सभ्रु, इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा। ये परशुराम जी के बारे में कहा जा रहा है। और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन करने वाला होगा। ये महापराक्रमी बालक साधु महात्माओं के मार्ग का अवलंबन करेगा। तब सत्यवती ने बारंबार प्रार्थना करके पुनः अपने ससुर को प्रसन्न किया और कहा, भगवान, मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। पांडुनंदन, तब एवमस्तु कहकर भृगु जी ने अपने पुत्र वधु का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। तो ये परशुराम जी के पिताजी का जन्म हुआ। भार्गव नंदन जमदग्नि तेज और बल दोनों से संपन्न थे। युधिष्ठिर, बड़े होने पर महातेजस्वी जमदग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा अन्य बहुत से ऋषियों से आगे बढ़ गए। भर श्रेष्ठ, सूर्य के समान तेजस्वी जमदग्नि की बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र स्वत स्फुरित हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, पिता की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता का मस्तक काटना और उन्हीं के वरदान से पुनः जिलाना। परशुराम जी द्वारा कार्तिकेय अर्जुन का वध और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि मुनि की हत्या। अकृतवर्ण कहते हैं, राजन, महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन में तत्पर होकर तपस्या आरंभ की। तदंतर शौच संतोषादि नियम का पालन करते हुए उन्होंने संपूर्ण देवताओं को अपने वश में कर लिया। तो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर फिर राजा प्रसन्नजीत के पास जाकर जमदग्नि मुनि ने उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने मुनि को अपनी कन्या ब्याह दी। भृगुकुल का आनंद बढ़ाने वाले जमदग्नि राजकुमारी रेणुका को पत्नी के रूप में पाकर आश्रम पर ही रहते हुए उसके साथ तपस्या करने लगे। रेणुका सदा सब प्रकार से पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री थी। उसके गर्भ से क्रमशः 4 पुत्र हुए, फिर 5वां पुत्र परशुराम जी का जन्म हुआ। अवस्था की दृष्टि से भाइयों में छोटे होने पर भी वे गुणों में उन सब से बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए वन में चले गए, तब नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर गई। राजन, जब वो स्नान करके लौटी गई, उस समय अकस्मात उसकी दृष्टि मातिकावत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो कमलों की माला धारण करके अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था। उस समृद्धिशाली नरेश को उस अवस्था में देखकर रेणुका ने उसकी इच्छा की। उस समय इस मानसिक विकार से द्रवित हुई रेणुका जल में बेहोशी हो गई। फिर शस्त्र होकर उसने आश्रम के भीतर प्रवेश किया, परंतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गए। उसे धैर्य से चूतना ब्रह्मतेज से वंचित हुई देख उन महातेजस्वी शक्तिशाली महर्षि ने धिक्कारपूर्ण वचनों द्वारा उसकी निंदा की। उस समय जमदग्नि के श्रेष्ठ पुत्र रम्यान वहां आ गए, फिर क्रमशः सुसैन वसु और विश्वावसु भी आ पहुंचे। ये परशुराम जी के भाइयों का नाम है, ठीक है। भगवान जमदग्नि ने बारी बारी से उन सभी पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर डालो, परंतु मातृस्नेह उमड़ आने से वे कुछ भी बोल ना सके, बेहोश से खड़े रहे। तब महर्षि ने कुपित हो उन सब पुत्रों को शाप दे दिया। शापग्रस्त होने पर वे अपनी
चेतना विचार शक्ति खो बैठे और तुरंत मृग और पक्षी के समान जड़ बुद्धि हो गए। तदंतर शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी सबसे पीछे आश्रम आए। उस समय महातेज तपस्वी महाबाहु जमदग्नि ने उनसे कहा, बेटा इस पापिनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद ना करो। तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। महाराज, इससे महात्मा जमदग्नि का कोप सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तात तुमने मेरे कहने से ये कार्य किया है जिसे करना दूसरे के लिए बहुत कठिन है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हो उन सब को मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता जीवित हो उठे, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद ना रहे, वो मानस पाप उनका स्पर्श ना कर सके, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। भारत, महातपस्वी जमदग्नि ने वरदान देकर उनकी ये सभी कामनाएं पूर्ण की। युधिष्ठिर एक दिन इसी तरह उसके सब पुत्र बाहर गए थे। उसी समय अनूप देश का वीर राजा कार्तिवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। आश्रम में आने पर ऋषि पत्नी रेणुका ने उसे यथाजित आतिथ्य सत्कार किया। कार्तिवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस सत्कार को आदरपूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम को तहस नहस करके वहां से डकराती हुई होमधेनु के बछड़े को बलपूर्वक हर लिया और आश्रम में बड़े बड़े वृक्ष को भी तोड़ डाला। जब परशुराम जी आश्रम आए तब स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। बारंबार डकराती हुई होम की धेनु पर भी उसकी दृष्टि पड़ी, इससे वे अत्यंत तो कुपित हो उठे। तो और काल के वशीभूत हो हुए कार्तिवीर्य अर्जुन पर धावा बोल दिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पहने बाणों द्वारा उसकी परिक्षस्त्र भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार परशुराम जी से परास्त हो कार्तिवीर्य अर्जुन काल के गाल में चला गया। पिता के मारे जाने से अर्जुन के पुत्र परशुराम जी पर कुपित हो उठे और एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल जमदग्नि जी ही रह रहे थे वे उन पर चढ़ाए। यद्यपि जमदग्नि जी महान शक्तिशाली थे तो भी तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। इस दशा में भी कार्तिवीर्य पुत्र उन पर प्रहार करने लगे। युधिष्ठिर वे महर्षि अनाथ की भांति राम राम की रट लगा रहे थे। उसी अवस्था में कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्र ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इस प्रकार मुनि की हत्या करके वे शत्रु संघार क्षत्रिय जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। जमदग्नि के इस तरह मारे जाने के बाद जब वे कार्तिवीर्य पुत्र भाग गए तब भृगुनंदन परशुराम जी हाथों में संविदा लिए आश्रम में आए। वहां अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरा देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके पिता इस प्रकार मारे जाने के योग्य कदापि नहीं थे। परशुराम जी उन्हें याद करके विलाप करने लगे। तो ये पुत्र चित्र आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर परशुराम जी का पिता के लिए विलाप और पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करना एवं महाराज युधिष्ठिर के द्वारा परशुराम जी का पूजन। परशुराम जी बोले, हे तात, मेरे अपराध का बदला लेने के लिए कार्तिवीर्य के उन नीच और पापर पुत्रों ने वन में वानों द्वारा मेरे मारे जाने वाले मृग की भांति आपकी हत्या की है। पिताजी, आप तो धर्मज्ञ होने के साथ ही सन्मार्ग पर चलने वाले थे, कभी किसी भी प्राणों के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे, फिर आपको इस प्रकार मृत्यु कैसे उचित हो सकती है? आप तपस्या में संलग्न युद्ध में विरत और वृद्ध थे, तो भी जिन्होंने सैकड़ों तीखों बाणों द्वारा आपकी हत्या की है उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया? वे निर्लज राजकुमार युद्ध से दूर रहने वाले आप जैसे धर्मज्ञ एवं असहाय पुरुष को मारकर अपने सुदृढ़ और मंत्रियों के सामने क्या कहेंगे? राजन, इस प्रकार भांति भांति से अत्यंत करुणाजनक विलाप करके शत्रु को
की राजधानी पर विजय पाने वाले महातपस्वी परशुराम जी ने अपने पिता के समस्त प्रेत कर्म किए भारत। पहले तो उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में पिता का दाह संस्कार किया, तत्पश्चात संपूर्ण क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की। अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तिवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। क्षत्रिय शिरोमणि उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया उन सबको भी योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सुनी करके उनके रक्त से समस्त क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए। भृगुकुल भूषण राम ने उन कुंड में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया। राम मतलब परशुराम, और उन समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋषि को देखा। उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। तो ये है। तदंतर प्रतापी जमदग्नि कुमार ने उन महान यज्ञ करके देवराज इंद्र को तृप्त किया और ऋतिज्ञ को दक्षिणा रूप में भूमि दी। युधिष्ठिर उन्होंने महात्मा कश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की जिनकी लंबाई चौड़ाई 10-10 व्याम की थी। ऊंचाई में भी वो वेदी 9 व्याम की थी। राजन, उस समय कश्यप जी की आज्ञा से ब्राह्मण उस स्वर्ण वेदी को खंड खंड करके बांट लिया, अतः वे खांडव्याय नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को देकर अमित पराक्रमी परशुराम जी इस पर्वत पर महेंद्र पर निवास करते हैं। इस तरह उनका संपूर्ण जगत के क्षत्रियों के साथ बैर हुआ था और उसी समय अमित तेजस्वी परशुराम जी ने सारी पृथ्वी जीती थी। विष्णुबेन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर चतुर्दशी तिथि को निश्चित समय पर महामाना परशुराम जी ने उस पर्वत पर रहने वाले उन ब्राह्मणों तथा भाइयों सहित युधिष्ठिर को दर्शन दिया। राजेंद्र, उस समय प्रभावशाली नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान परशुराम जी की पूजा की तथा अन्य ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सत्कार किया। जमदग्नि नंदन परशुराम जी की पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हो वे इन्हीं की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहे, फिर सवेरे उठकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की चैप्टर। ऐसा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, युधिष्ठिर को विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में वित्त होना और यादवों का पांडवों से मिलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।